बात बताओ, सुनो तो, तुम गर्ल्स सेक्शन में बहुत घूमो, क्या बात है, क्या है राज, क्या है बताओ तो, भागो मत, शक्ल छुपाने वाली कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा घर से व्लॉग, क्या कहोगे गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा, पता नहीं यार यहाँ से उधर गए, नई वाली चल रही थी, अब पीछे मार्केट में ढूंढते फिर रहे हैं, हाँ हाँ यही है, यही है, इनसे पूछ लेंगे, कई सारे टेलर से पूछ तो लिया लेकिन जो है कोई किसी पे ये वाला कलर मिल नहीं रहा, एक बार और पूछ ले अंकल जी, ये वाला कलर मिल जाएगा, यहाँ से उधड़ गया है, हाँ जी हाँ जी 19-20 मिला, शेम नहीं मिलेगा, 19-20 हो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी, तो पूरी मार्केट में उधर कहीं नहीं है, यहाँ पे देखते हैं मिल जाना चाहिए, भाई यहाँ तो कोई किसी को भाविन देता ना, वो लग रहा मतलब बता भी नहीं रहा कि जो है 10 मिनट लगेंगी 15 मिनट लगेंगे, खड़े यार हद है मतलब, और मैंने जो और जगह पूछा ना पीछे मार्केट में उसमें भी कोई हाँ या ना करने को राजी नहीं, उससे भी दोबारा पूछना पड़ रहा, मगर भाई सुनाई दे रहा तुझे नहीं, मतलब इतना वो है भाई, दिल्ली की एंट है कमला नगर की, उनको बहुत बड़ी दुकान खोले बैठे, ये जो लौंडा बच के आ रहा देखो इस साइड था, तुम भी बचे ही फिर रहे भैया से बचे फिर रहे, वो फिर चार बात पूछेंगे यार, कहाँ गए थे भाई यार, इनेंट नहीं आया है कल भाई का बर्थडे है, बर्थडे तो फिर वहां नहीं चलना क्या, हाँ ठीक है भाई चलते हैं, हैप्पी बर्थडे है का भैया, बर्थडे पार्टी चलत है का, क्या बोल रहा मैं, तो भाई इसके लिए जो है इसका बर्थडे है अगर, और मैंने सोचा फिर केक ही ऑर्डर कर देते हैं, तो अभी जो है नीचे जा रहे हैं केक लाने के लिए, और जो है ये गाना जो है इतना बेकार लगे मुझे, हम पक गया यार ये गाना सुन सुन के, एक यू छे 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 छे, मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं बट हाँ जहाँ तक है अच्छा ही होगा इसका, क्योंकि रेटिंग काफ़ी सही थी, और फिर शुरू हो जाएगी वो, ये देखो क्या ही मंगा सकूं मैं, हैं वाह भाई कॉपीराइट लगवा दिया तुम, तुम्हारे लिए केक मंगवाया हमने यार, ठीक लग रहा मेरे को जिस तरह से पैकिंग वैकिंग करके दी इन्होंने, मिस्टर क्रस्ट पता नहीं अंदर क्या होगा, तो मुझे क्या ये बर्थडे बॉय की हंसी तो फंसी, आराम से भाई आराम से बैठ जा भाई साहब, करना पॉज कर दो, कैसी लग रही है, बढ़िया कैसा लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है यार मेरे को तो, टेस्ट में और भी बढ़िया होगा, एक ही लगाएंगे कैंडल, हाँ हाँ एक ही यहाँ लगा देते हैं, ओके ओ बारह बड़े बड़े भाई, थैंक यू गुरु गुरु को फोन का मेरा, काटो बड़े भाई हैप्पी बर्थडे, फोन तो मारो भाई भाई का बर्थडे आ रहा उसी दिन मंगाया था काफी अच्छा है यार केक, एक्सपेक्ट नहीं था इसका बट हाँ काफी अच्छा है, चलो भाई बोतल तो ले आओ, अरे बोतल कल लेके आओगे, क्या नहीं यार दंद बच्चे थोड़ी हो तुम, क्यों क्या तुम कौन सा लेके आओ, अभी 2 मिनट जो है हमने गाने क्या चला लिए हैप्पी बर्थडे वाले, यहाँ जो है लोगों ने फोन कर दिया, फोन करा भैया ने कहा तो आवाज कम कर लो, लड़के का फोन आया, किसका फोन है? और 3-4 दिन से जो है लगातार जो है रात को गाने बज रहे किसी के कमरे में, तब जो है शोर हमें भी आ रहा था लेकिन हम वो चीज एक्सेप्ट कर रहे थे कि चलो पीजी है, चलो एडजस्ट करना सीखो भाई, लोग बाहर से आए जो है मजे करने के लिए है, लेकिन है नहीं इस लायक, फिर कल संदीप भैया पूछ रहे इनको फ्लैट क्यों शिफ्ट करना, तुम्हें बताऊंगा क्यों शिफ्ट करना, एक दिन पूछ रहे थे, मैंने कहा था मैंने कहा हम तो फ्लैट लेंगे, कह रही क्यों यहाँ कोई दिक्कत आ रही क्या, दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं आ रही, थोड़ा जो है बस प्राइवेसी का वो हो जा, अपनी मर्जी से कुछ कर सके हैं देख ले, हैं गाने भी नहीं बजा सकते भाई, क्या हो रहा है इस पीजी में भाई, पीजी बदलना पड़ेगा सच बता रहा, मुझे भी लग रहा भाई रात के यहाँ बज रहे 2:30 बज रहे और जो कोई जिंदा बाल्टी से नहा रहा, बाल्टी और मग्गे से नहा रहा, तू कह रहा शावर में नहा रहा कोई, नहीं भाई बाल्टी और मग्गे से नहा रहा कोई, वहां जब मन करे तेज आवाज में, यहाँ बालकनी
यहाँ तो धूप देखने भी ऊपर ही जाना पड़े छत पे। दूसरे हमारे पास किचन, किचन का तो चलो यहाँ खाना बन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ जो इन्होंने छेद करवा रखी है ना एक, ये तो चलो ठीक है, फिर भी ये जो नीचे करवा दिया इससे और ज्यादा जो है आवाज बाहर जा रही है, ये चीज डिस्टर्ब कर रही है और लोगों को। पर ये कह रहे कि ये जो इन्होंने नीचे करवाया ये वाईफाई के सिग्नल्स के लिए करवाया, कि वाईफाई के सिग्नल्स नहीं आते थे। अरे ठीक है भाई, सही जा रहे तुम, प्रोग्रेसिव फूल भाई। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। कल मिलते हैं, अभी तो मैं भी एडिट करके ब्लॉग और सो जाऊं। अरे हाँ, मैं एक और चीज पूछ रहा था तुमसे। हाँ। एक दिन जो है मैं लेटे लेटे सोच रहा था कि जो है जैसे हमारे घर बने हैं, ठीक है, उसमें नीचे जो है गड्ढा बना है पहले, वो कितने दिन में भर जा, कितने सालों में? 10-15 साल तो लग ही जाते होंगे। पीजीज में तो जल्दी भर जाता होगा फिर उस हिसाब से। अगर अगर 50 रूम भी हैं, 50 रूम में दो दो लड़के भी रह रहे हैं, कितने हो गए, 100 बंदे? वैसे तो 100 यहाँ है नहीं, 50 ही लोग हैं यहाँ गिन के, 50 भी नहीं है उससे कम ही, कितने टाइम में गड्ढा भर जाएगा? कैलकुलेशन देख मेरे दिमाग में, ये रात को है 3 बजे थॉट आ रहा मुझे, कितने टाइम गड्ढा भर जाएगा, कहीं से कहीं तक कुछ भी चलता रहे यार दिमाग में। क्या कह रहा, कल ओनर से पूछेंगे भैया कितनी बार गड्ढा साफ करवा लिया तुमने? नुको हमारे भाई के मन में एक थॉट आ रहा, बहुत टाइम से आ रहा, वो रात को 3-3 बजे सोचे हैं वो चीज। आज उसका डाउट क्लियर कर ही दो तुम। पार्टी चल रही है क्या? हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। हाथ तो मिला लो यार, तुमने तो बंद हो रहे हैं। कोई नहीं भाई, नहीं हो गया तुम भाई, वापिस आया जाएगा। अब क्या है, आज फ्रेंडस डे, कल थर्सडे, फिर आऊंगा मैं संडे, संडे में वापिस आएंगे भाई। जल्दी हम तो घर मिलते हैं, ठीक है, ये तक ही अंदर रख देना बस। हाँ तो अपडेट दे दूं, हम आ गए थे अपने शहर, अभी मैं निकल गया फिर से आने के लिए गाड़ी उठा के, क्योंकि मेरे बाप का तेल का कुआं है तो इतना डीजल फूंकने में कोई दिक्कत नहीं होती। साले तू यार, मुझे ना सुबह से बहुत भूख लग रही थी और अभी मैं आया अपने शहर की, मतलब सबसे फेमस पैटी वाले हैं ये, अल्टीमेट पैटी वाले, और इनकी खाएंगे चूर चूर पैटी भाई, इतनी स्वाद हो गए ना। वैसे तो देखने वाले सारे ऐसी है, लेकिन जो है जिन्होंने नहीं खाई होगी एक बार खा के देखना, बहुत स्वाद होती है। हाँ तो ले ली भाई, अब चलते हैं फटाफट घर पे, भूख लग रही बहुत तेज। किसने रोका था खाने के लिए ये बताओ तुम साहब? सर्दियों की वजह से ये गलियां इतनी खाली पड़ी, हर वक्त जब भी देख लो पूरी यहाँ पे जो है गाड़ी की तो जगह ही नहीं रहती। और यहाँ पे देखा जाए तो सच में दिल्ली से तो मतलब कई गुना ज्यादा ठंड है। और ठंड से याद आया मेरे को कि मैं कम से कम भी 2 दिन से नहाया नहीं हूँ। 2 दिन से इसलिए नहाया क्योंकि वहां पे हमारे यहाँ हुआ क्या, जो रूम का गीजर था ना वो खराब हो गया, ठंडा पानी आया जा रहा। मैंने भैया को बोला, उन्होंने भी आज ठीक करवा देंगे, और वो गीजर वाला भी आया नहीं, पता नहीं आया होगा नहीं आया होगा, बट हाँ मेरे हिसाब से आ गया होगा। पर भाई 2 दिन हो गए थे मुझे, और वीकेंड पे भी आना ही था मेरे को, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो हम एक दिन पहले चल लेते, क्या हो गया। ये भी एक रीज़न है कि मैं थर्सडे को ही यहाँ वापस आ गया घर पे। वैसे तुम इतनी इन्फॉर्मेशन करोगे क्या, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, पर चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। आज तो भाई पूरी सड़कें खाली पड़ी हैं भैया, कम से कम भी जो है टाइम हो रहा है अभी 7:46 और इतनी खाली पड़ी यार यहाँ। लेकिन सच बताऊँ तो यहाँ पे ठंड है उस हिसाब की जो है, मतलब इतनी जल्दी दिन ढलते ही और यहाँ पे बस अपना घर में घुस कर रजाई में घुस के बैठ जाओ। और मैं भी फिलहाल वही करने जा रहा, क्योंकि मैंने ले तो लिया अपना खाने पीने का सामान और सीधा जाके बैठ जाऊंगा रजाई में, और बैठ के आराम से खाते हुए एडिटिंग करते हुए वहीं सो जाऊंगा। अरे यार किसका आ गया, सौभाग्य का फोन आ गया। अबे यार मैं इसे ना कह के आया था कि मैं आ रहा हूँ, मतलब तू आ जा वहीं पे, और लेकिन इसको जो है लेट हो गया इसलिए ये भी नहीं आ पाया और मैं निकल गया, मेरे ध्यान से निकल गया व्लॉग करने के चक्कर में, दोस्त को भूल गया, उनको बुला रखा और अभी यूँ कह दिया, उनको घर से फ़ोन आ गया था, झूठ बोल दिया, लेकिन ब्लॉग के बाद पता चलता था। पर कोई नहीं, इतने ब्लॉग आ गए इतने तो मिल भी लूँगा मैं उससे। और ऊपर से जो है मेरा ऐसा मन कर रहा, इसे वो ऐसे देख रही देखो कि जो है बस निकाल के और खा जाऊँ, मन ऐसा कर रहा है मेरा। यार भूख इतनी लग रही ना मुझे इस टाइम,
जिसकी हद नहीं। पेट में भी चूहे भी, चूहों को तो बिल्ली खा गई और बिल्ली कुत्ते खा गए। कुत्ते इस टाइम यूं कह रहे हैं इनको भेज दो अब नीचे, कुछ अब नहीं बचा कुछ खाने के लिए। और अब देखना तुम इसकी शक्ल देख के तुम फैन हो जाओगे ड्रैगन को। हाँ भाई कुछ है। रोम रोम भाई विकीडोन कैडी चीज। क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई। अच्छा मुझे लगा तो गेम खेलना। गेम तो वो खेल रही ना जिंदगी मेरे साथ। कल पेपर है पढ़ना, लिए जाके घर। यहाँ आ लिया मैंने ना, जिम जा रहा भाई ट्यूशन से। तो जिम का बंक यार मैं तो पैर मुड़ गया। पैर मुड़ गया सीधा है भाई सीधा तो है क्यों? बस झूठ बोलना। यहाँ से मुड़ा, यहाँ से, यहाँ से भी सीधा है। अरे तो मतलब मोच आ गई ना बेटे। क्या कह रहा मेरे फेस पे बढ़िया लग रहा? नहीं। वो नहीं लग रहा मैन इन ब्लैक बिल्कुल। तेरे फेस पे बड़े वाला बढ़िया। बड़े वाला था यार मेरे पे, पता नहीं वो कहाँ गया। मेरे फेस पे बड़े वाले बढ़िया लग रहे, यही बढ़िया लगा है। आ लिए अपने देसी लोगों में, देसी बॉयज।